मलाड़ के अप्पापाड़ा इलाके में पिछले दिनों लगी आग के कारण भारी संख्या में यहां पर झोपड़े जलकर राख हो गए थे, जिसके कारण हजारों परिवार यहां पर बेघर होकर टेंट लगाकर यहां जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर आई है मेकिंग द डिफरेंस संस्था। इस संस्था ने यहां रहने वाले बेघर लोगों हेतु अनाज, बर्तन जैसी कई सामग्री यहां पर आज वितरण किया। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर मेकिंग द डिफरेंस संस्था से जुड़े लोगों का और क्या कुछ कहना है। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो ब्लास्ट हुआ है सिलेंडर, उसकी वजह से हम आज यहाँ पे आए हैं और मदद करने जो भी हमसे हो सके। उसमें स्पेशली मैं थैंक यू कहना चाहूँगी दंगल टीवी और डोनेट कार्ड का, जो वो यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें जैसे कि राशन है और यूटेंसिल्स हैं जिसमें खाने के लिए आपको एक चाहिए रहता है, तो उसकी हेल्प कर रहे हैं। एंड बस मैं यही चाहती हूँ कि उनके मतलब ऐसे ही सपोर्ट रहे तो हम और भी आगे उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं उनकी ज़रूरत पड़ने पर। आपने देखा होगा तो अप्पावाड़ा में सब बहुत बड़ी दुर्घटना घड़ी थी। मुंबई की खासियत है कि कुछ भी हो तो लोग दौड़ के एक हाथ आगे बढ़ाते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे NGO यहाँ पे आते हैं, पिछली बार भी आपने देखा होगा RSS ने भी बहुत बड़ी हेल्प की। लेकिन मेरे इसमें कोरोना के काल में मुझे प्रजा फाउंडेशन माध्यम से मेकिंग द डिफरेंस ने मुझे हेल्प किया था, तो मैंने उनको ऐसा ही एक फ़ोन लगाया और ठक्कर जी का तुरंत कॉल आया कि सुरेखा जी हम कुछ तो करते हैं। तो सही में एक दो दिन के बाद मेकिंग द इसमें से डिफरेंस में से ठाकुर जी उन्होंने कहा कि हम अनाज और जो प्राथमिक घर के लोग बर्तन लगते हैं वो तो हम देंगे। तो इन्होंने इनके सहयोग के साथ दंगल के सहयोग के साथ उन्होंने शायद इनके स्पॉन्सरशिप के माध्यम से और उनके इन्होंने जो इनिशिएट लिया इसके माध्यम से आज अगर आप देखे होगे तो 1500 लोगों को बर्तन और जो अनाज लगता है, समझो मंथली जितना 4 लोगों को राशन लगता है, तो वो राशन देने का काम सही में मेरे एक कहने पे इतनी दौड़ के जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, बहुत बड़ा उनका NGO है लेकिन इन्होंने इतना जल्दी ये सब सुविधा की। सही में मैं इन दोनों NGO का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ऐसा ही सहयोग बना रहे ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत सौभाग्य मिला है जो आज थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिला है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो दंगल TV के द्वारा हुआ है। ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे देश में, इतना गरीबी और इतना ज़्यादा परेशानी है वो बहुत ज़्यादा दुख भरी बात है जिसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। और दैट्स ऑल, थैंक यू। ये अपॉर्चुनिटी दी गई है ताकि हम जो डिज़ास्टर अफेक्टेड जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए हेल्प कर सकें मेकिंग द डिफरेंस की तरफ से, और दंगल की तरफ से काफ़ी कंट्रीब्यूशन हुआ है। नहीं तो डिज़ास्टर ही नहीं, हम दूसरे सेक्शन में भी काम करते हैं, जैसे लज्जा के थ्रू हम पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दंगल TV काफ़ी हेल्प करती है लोगों को और हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा डिज़ास्टर वापस कभी नहीं होना चाहिए। मेरा नाम शालिनी अग्रवाल है, मैं दंगल TV से आई हूँ। ये इंसिडेंट सच में बहुत वेरी लाइक सैड इंसिडेंट, तो उसके लिए तो बहुत दुख है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो हम लोग हेल्प कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बाकी तो करने वाला ऊपर वाला है। आज क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? हम लोग थोड़ा अनाज और थोड़ा यूटेंसिल्स। 1500 यूटेंसिल्स है और अराउंड आई थिंक सो 300 पैकेट्स, बिग पैकेट्स ऑफ राशन। पहले तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये जो परिस्थिति है, जो ऐसी
घटना हुई है अपापाड़ा में और यहाँ के लोगों के लिए मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। दूसरा, मैं दंगल टीवी का धन्यवाद करता हूँ, साथ ही साथ डोनेट कार्ड का, जिन्होंने ऐसी मुश्किल परिस्थिति में इन गरीब लोगों को, इन बेसहाराओं को मदद पहुँचाई है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और फ्यूचर में भी ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि ऐसी मुसीबत के टाइम पे दंगल टीवी और बाकी जो दानदाता हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। दीपक जी, इसके अलावा देखा जा रहा है कि जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भगदड़ मच जा रही है, लेकिन आपने सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर काम किया हुआ, किस तरह से आपने काम मैनेज किया? मैं आपको ये बताता हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की खासियत रही कि हम हर एक चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में काम करें। इसके लिए लास्ट 4 से 5 दिनों से कंटिन्यू हमारे वॉलंटियर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमने सारे लोगों को वेरीफाई करना बहुत जरूरी था, हमने लोकल कॉरपोरेटर से सपोर्ट लिया, लोकल लोगों से सपोर्ट लिया, हमने आइडेंटिफाई किए हमारे वॉलंटियर्स एक एक घर में जाके, एक एक जो जहाँ जहाँ जिनके साथ हुई है घटना, उन लोगों को फाइंड आउट करके वेरीफाई किया और उनको टोकनाइज किया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे वही लोग उपस्थित है जिनको हमने वेरीफाई किया है। और आज जो डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है वो भी बड़े ही, मतलब आप देखेंगे, ऑर्गेनाइज वे में होगा, जिससे लोगों को तकलीफ ना होगी और आराम से ये डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव हो सकेगा। कोई भी पॉलिटिकल या गवर्नमेंट के ऐसी टॉपिक्स पे कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, वो गवर्नमेंट का अपना एक थॉट है, उनके एक तरीका है, तो वो वही डील करें। हम अपने लिए जिम्मेदार है कि जितना हमसे दंगल टीवी से हो रहा है, डोनेट कार्ड से हो रहा है, मेकिंग द डिफरेंस से हो रहा है, हम वो भरकर जितनी कोशिश हो सकती है, जितनी प्रयास हम उनके लिए कर सकते हैं करेंगे। लगभग हम 500 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें से दंगल टीवी और डोनेट कार्ड दोनों ने सहयोग किया है। काफ़ी मात्रा में हमने यूटेंसिल्स और राशन लाए हैं, ये सारी चीज़ें उनको ही वितरित की जाएगी।